नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। आपको बता दें, छिबरामऊ तहसील में मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल चौधरी ने तहसील में सरकारी संस्थाओं के निजीकरण, नगमीकरण, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में दिए गए आरक्षण को खत्म करने की साजिश के विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मजदूर सभा की तरफ से एक दिवसीय भूख हड़ताल। छिबरामऊ तहसील में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में आकर भूख हड़ताल की, भाजपा के खिलाफ जमकर हमला बोला। कन्नौज के नवाब सिंह यादव समाजवादी नेता भाजपा के बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर हमला बोला। भाजपा सरकार के विरोध में तहसील छिबरामऊ में बेरोजगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ कई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तहसील में बैठे रहे। पुलिस की देखरेख में धरना प्रदर्शन किया गया। कई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश से अंकित कुमार की खास रिपोर्ट। महंगाई की मार, इन्हें उसी बार मोदी सरकार महंगाई की मार। ये तो मोदी जी कहते ही घमंड कि 400 आएंगी और आएंगी, लाना है। ये क्या है, जनता से पूछा है, जनता निर्णय लेगी कि सदन में आप ऐलान कर देंगे 400 लाना है। उनके पास आपके पास क्या है? हमारे पास जनता है और आप देख लेना। ये पाकिस्तान चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट पेपर उन्होंने कर दिया, तो उसमें आपका बैलेट पेपर में चुनाव कराएंगे तरीके मना करते हैं, तो बैलेट पेपर में तो चंडीगढ़ चुनाव उन्होंने क्या हुआ चंडीगढ़ में, परिणाम क्या हुआ जोर दुनिया के सामने। आने वाले समय में परिणाम वही होगा जो चंडीगढ़ में।